हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सितंबर मंथ का करंट अफेयर का मैं चौथा पार्ट लेके आया हूँ। बाकी के पार्ट आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें मैंने जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने पुरुष एकल का खिताब US ओपन 2022 में जीता है। इसमें मैंने जो ऑप्शन लिए हुए, चार ऑप्शन लिए हुए हैं। और गाइज, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप इसमें कमेंट में करके मेरे को बता सकते हैं। लेकिन टाइम आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट एग्जाम में सिर्फ 10 से 15 सेकंड का मिलता है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो सी अलंकराज गार्सिया, नोवाक जोकोविच, डैनियल मेदवेदेव या स्टेफानोस सित्सिपास। इसमें से जो राइट आंसर है वो है सी अलंकराज गार्सिया। इन्होंने अभी ये खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉय अंडर 14 का खिताब कौन से राज्य ने जीता है। चार ऑप्शन लिए हुए हैं, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या आसाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर ने अभी जीता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन से राज्य ने भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इस राज्य ने रखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से देश में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, रसिया, भारत या जापान। तो इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और दोस्तों, जिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेरे को लगता है कि उसमें गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ ऐड करने की ज़रूरत है थोड़ा डीपली, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया। अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह इसमें मैंने कुछ सारी काफ़ी पॉइंट ऐड किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि 2021-2022 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसको दिया गया है। GRSE, भारत डायनामिक्स, BSNL या टाटा। इसका जो राइट आंसर है वो GRSE है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान करता है। इस्पात मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर इस्पात मंत्रालय, ठीक है, ये राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन से देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन होगा। तो इसका जो चार ऑप्शन लिए हुए मैंने इसमें, श्रीलंका, पाकिस्तान, UAE या भारत। तो इसका राइट आंसर है भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, किसको एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, मोहिन साहिवाल, सुरेंद्रा सारस्वत या निकिता अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है। जस्टिस अरुण मिश्रा जी को अभी सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश ने SCO शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। उज्बेकिस्तान, भारत, रसिया या चीन। तो इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने इस बार SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैम्पियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बना है। मैनर फर्नांडीज, विदित गुजराती, मुर्तजा खान या प्रणव आनंद। तो इसका जो राइट आंसर वो प्रणव आनंद। प्रणव आनंद ने ये अभी ये खिताब जीता है और वो 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्रगति जिसको राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है, कौन से संस्थान द्वारा जारी एक विज्ञान पत्रिका है। तो ये इसरो के द्वारा, DRDO, नासा या CSIR। तो इसका जो राइट आंसर है वो CSIR, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और मैंने इसकी ये थोड़ी सी डिटेल जो कभी कभी लोगों फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है एक नंबर में कि CSIR की फुल फॉर्म में, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि नामीबिया से मंगवाए गए चीतों को भारत के किस पार्क में छोड़ा गया है, ये काफ़ी हाईलाइटेड अभी रहा है न्यूज में, ठीक है। मानस नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, मुलिंग नेशनल पार्क या पन्ना नेशनल पार्क, तो ये जो छोड़ा गया है उसका राइट आंसर है कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। गॉट इट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसके रिगार्डिंग मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड या मणिपुर, तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु इनके जो जन्मदिन है उस पर सामाजिक न्याय दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कौन से चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, अरिग्राल जूलॉजिकल पार्क, श्री चामराज जूलॉजिकल गार्डन, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क या अलीपुर चिड़ियाघर, तो इसका जो राइट आंसर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये दार्जिलिंग में, ठीक है, और ये इसको सर्वश्रेष्ठ अभी घोषित किया गया है। बट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये इसके रिगार्डिंग मैंने ये क्वेश्चन बनाया कि ये जो अभी सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर जिसको घोषित किया गया है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है जिसे हाल में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है, जयपुर, लखनऊ, दार्जिलिंग या उदयपुर, इसका राइट आंसर है दार्जिलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है कि मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने अपना मुख्य कोच किसको नियुक्त किया है, चार ऑप्शन लिए, जैक कालिस, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ या सैंड बॉन्ड, तो इसका राइट आंसर है सैंड बॉन्ड, ठीक है। सैंड बॉन्ड को अभी इन्होंने कोच मुख्य कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजात में शामिल किया है, पांच राज्यों के 10 राज्यों, 16 राज्यों या 22, तो अभी 5 राज्यों को जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको केंद्र मंत्रिमंडल ने शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फॉक्सकॉन कंपनी भारत में पहली बार सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करेगी, अभी इस कंपनी ने घोषणा की है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या आसाम में, इसका राइट आंसर है गुजरात, गुजरात में अभी फॉक्सकॉन अपना प्लांट लगाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल टॉक लाइक के पायरेट डे सितंबर में कब मनाया जाता है, 1 सितंबर को, 22 सितंबर को, 10 सितंबर को या 19 सितंबर को, तो इसका राइट आंसर है 19 सितंबर को, तो 19 सितंबर को ये इंटरनेशनल टॉक लाइक के पायरेट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी टीम ने पहली बार डूरंड कप खिताब जीता है, बेंगलोर FC, ईस्ट बंगाल, उड़ीसा FC या FC गोवा, तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलोर FC, बेंगलोर FC ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जिनका सितंबर 2022 में देहांत हो गया है किस पीठ के शंकराचार्य थे, द्वारका पीठ, बद्रीधाम पीठ, पुरी पीठ या श्रृंगेरी पीठ, तो इसका राइट आंसर है द्वारका पीठ, इसके ये शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था ने हाल में ही इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है, ऑक्सफैम मोबिए, ऑक्सफैम मीडिया, ऑक्सफैम कोविड या ऑक्सफैम इंडिया, तो इसका राइट आंसर ऑक्सफैम इंडिया, इसने इस संस्था ने अभी इस रिपोर्ट को जारी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है,
नागा मिर्च नागा किंग चिली महोत्सव 2022 का आयोजन सितंबर 2022 में कौन सी जगह किया गया। चार ऑप्शन है किफायर सेई हामा गांव लोंगलेंग गांव दीमापुर। तो इसका राइट आंसर है सेई हामा गांव, इस गांव में किया हुआ, ये नागालैंड का एक गांव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट जो 2022 का आयोजन कौन सी जगह किया गया है, इंदौर में करनाल में ग्रेटर नोएडा या आगरा। इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा में, ये काफ़ी टाइम बाद हुआ है। ठीक है ना, और ये कब, और इसका जो फर्स्ट टाइम हुआ था जो पिछला हुआ था इसका, वो 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है, ये बुखार कौन से देश में खोया गया था, इंग्लैंड में नाइजीरिया चीन या थाईलैंड। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया में ये खोया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, विश्व चैंपियनशिप में विश्व चैंपियनशिप में थोड़ा सा वो सिस्टम हैंग हो गया था, इसलिए वजह से विश्व चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बन गई हैं, विनेश फोगाट पूजा फोगाट दिव्या काकरान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विनेश फोगाट, इन्होंने अभी दो पदक जीते हैं। ठीक है, दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत का तीसरा बैंक कौन सा है जिसने 5,00,000 करोड़ मार्केट कैप पार कर लिया है। चार ऑप्शन लिए, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसी बैंक। तो इसका राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी क्या है ना, स्टॉक मार्केट में इसका जो शेयर था वो काफ़ी एकदम बूम कर गया था, मतलब इंक्रीज हो गया था। उसके बाद इसकी इकोनॉमी, इसकी जो ग्रो, मतलब टोटल जो इसकी इकोनॉमी है वो 5,00,000 को पार कर गई थी। ठीक है ना, 5,00,000 करोड़ को। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ कि भारत और कौन से राष्ट्र के बीच 32,98,40,000 लागत से बन रहे मीटर स्पान डबल लेन मोटर सेतु का उत्तराखंड सरकार ने शिलान्यास किया है। तो वो कौन सा कंट्री के साथ ये अभी टाइप हुआ है, पाकिस्तान श्रीलंका भूटान या नेपाल। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। ये एक ब्रिज पहले भी बन गया है, अब ये दूसरा ब्रिज बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि कौन से देश में जल्द ही नो बॉडी नो पेरोल कानून लागू होगा, अमेरिका रसिया भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इस कानून में क्या है, नो बॉडी नो पेरोल में, कि जो अपराधी जो भी क्रिमिनल रहेगा अगर वो अपने जो भी क्राइम किए हों उसके बारे में अगर करेक्ट डिटेल नहीं देता है तो उसकी जो पैर जमानत जो होती है वो नहीं होगी, पेरोल नहीं मिलेगा उसको। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर, 21 मार्च, 25 मार्च या 25 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि पीएम मोदी ने किस उद्योगपति को पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है, मुकेश अंबानी को रामदेव बाबा को अनिल अंबानी को या रतन टाटा, ये चारों ही लोग उद्योगपति हैं। तो इसका राइट आंसर रतन टाटा को, अभी नई दिल्ली में मीटिंग हुई थी वहाँ पर इन्होंने रतन टाटा को इसका नया ट्रस्टी बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम हाल ही में बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। चार ऑप्शन लिए हुए मैंने इसमें, महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल या नरेंद्र मोदी, अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, इनके नाम पर इस अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है
कि अभी कौन सी गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? 600, पंथेर पांचाली, कबीर रीते जैस या गुड रोड? इसका राइट आंसर है 600। इस मूवी को अभी नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, 2023 के जो ऑस्कर अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय हास्य अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, चंकी पांडे? तो इसका राइट आंसर है राजू श्रीवास्तव। काफ़ी अच्छी कॉमेडी करते थे, स्टैंडिंग कॉमेडियन भी थे, कई काफ़ी मूवी में इन्होंने रोल भी किया है, काफ़ी अच्छे इंसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र हाइपरटेंशन नियंत्रण इनिशिएटिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रसिया, भारत, चाइना या फ्रांस? इसका राइट आंसर है भारत। ये जो बीपी होता है उसके फील्ड में इनको पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर रहता है ना, लो हो गया, हाई हो गया, तो उसके फील्ड में इंडिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, वर्ष 2023 में पहली बार किस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में करवाने की घोषणा की है? चार ऑप्शन, मोटो जीपी, ग्रांड प्री लीग, गोल्फ, रागवी या फुटबॉल? तो इसका राइट आंसर है मोटो जीपी ग्रांड प्री लीग, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने वाले किस अंतरिक्ष यात्री का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? व्लादिमीर लेखो, वलेरी पोलियाकोव, अनातोली सोलोवियेव या विक्टर अफनासियेव? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वलेरी पोलियाकोव। ये अंतरिक्ष में काफ़ी टाइम तक रहे थे और अभी इनका डेथ हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, कौन से राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है? कौन से राज्य की, ठीक है, तो मेघालय, गुजरात, हरियाणा या नागालैंड? इसका जो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात की जो पुरुष टेबल टेनिस में इन्होंने अभी खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि नासा के परसेवरॉन्स रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर कौन से पदार्थ की खोज की है? तरल पदार्थ, कैल्शियम पदार्थ, हाइड्रोजन या कार्बनिक पदार्थ? इसका राइट आंसर है कार्बनिक पदार्थ। अभी कार्बनिक पदार्थ की ये खोज की है। इंडिया ने भी मंगल ग्रह पे भेजा है, तो वो अभी रिसर्च अभी प्रोसेस में है, अभी देखते हैं देखो उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि उच्चतम न्यायालय के हाल ही के आदेश के अनुसार शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 19 पैरा 1 और इसका जो कॉलम जी या ई, एफ या सी? तो इसका जो राइट आंसर है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत, इसके अंतर्गत एक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये सारे मैंने पॉइंट लिए हैं और ये मेरा इस मंथ का ये चौथा पार्ट था करंट अफेयर का, और मैंने जनरल अफेयर के बारे जो जनरल नॉलेज के बारे में भी काफ़ी सारी अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट किए हैं, और मैं ये ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आपको कंटिन्यूस मिलती रहे, ठीक है। और बीच बीच में मैं डेली बेसिस पे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो को मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, तो वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू भाई।